दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कितना परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है और कब से यहां पर आम लोगों के लिए आपका खुल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि UPEIDA के मुख्य सचिव ने बताया कि ये एक्सप्रेसवे में 60% काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी का जो 40% है वो बचा हुआ है और इस तरीके से जनवरी 2021 से ये आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। रियली ये एक बहुत अच्छी खबर है यूपी वालों के लिए। तो चलिए इस वीडियो पर हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेसवे कहां से शुरू होगा और कहां से ख़त्म होगा और साथ ही कौन कौन से जिले से होकर ये गुजरेगा। ये जो एक्सप्रेसवे है, लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे 731, यहां पर लखनऊ ज़िले में चांदसराय से ये शुरू होगा। उसी तरीके से ये बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर पर ये हैदरिया नाम की जो जगह है वहाँ पर जाके ख़त्म होगा, जो कि NH-19 पे जाकर ख़त्म होगा। उसी तरीके से ये एक्सप्रेसवे जो आपका हैदरिया से केवल 18 किलोमीटर आपका बिहार यूपी बॉर्डर बचेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे इन जिले से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई होगी वो 340 किलोमीटर, जिसमें 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनेगा, जैसा कि आप लोगों इमेज पर भी देख पा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे में 8 पैकेज में बांटा गया है। रियली ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे की संख्या रहेगी। ऑलरेडी नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे और आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में वाहनों की आवाजाही शुरू है। तो आई थिंक दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।